हमास की हरकत पर अमेरिका की पैनी नजर, गाजा की निगरानी कर रहे अमेरिकी ड्रोन, विदेशी बंधकों के ठिकाने की तलाश की जा रही है। तो बंधकों को छुड़ाना इस वक्त एक बड़ी चुनौती है और अमेरिका भी दिन रात निगरानी कर रहा है। गाजा के आसमान में इन दिनों यही सर्विलांस MQ-9A रीपर ड्रोन लगातार उड़ान भरता नजर आ रहा है, जो तस्वीरों में हमने आपको दिखाई। गाजा से शहर, गाजा पट्टी, इजराइल, मिस्र, इन सभी जगहों पर ये ड्रोन मूव कर रहा है और कोशिश कर रहा है उन जगहों का पता लगाने के लिए जहां पर होस्टेजेस, ये बंधक हो सकते हैं, और इसके अलावा हमास के ठिकाने कहां कहां हैं इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश। और देखिए, इसराइल के हाइफा पोर्ट के पास धमाका हुआ है। धमाके के बाद 20 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें उठी हैं। धमाके के बाद लोगों में दहशत। और गाजा के जंगी मैदान में भीषण जंग जारी है। गाजा में आमने सामने की जंग का वीडियो, IDF और अल कसम लड़ाकों में लड़ाई, IDF के जमीनी हमले जारी हैं, हमास की घेराबंदी में जुटी है IDF। और गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो गया है। हमास लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन, सुरंग में छिपे हमास लड़ाकों की तलाश, IDF का दावा, कई लड़ाके मारे गए। और गाजा के अल कसाम का गुरिल्ला युद्ध, अल कसाम ने जारी किया है वीडियो, कई सैन्य वाहनों को तबाह किया। और अगली बड़ी खबर, गाजा में हमास के गढ़ में IDF की छापेमारी हुई है। हमास के नक्शे, खुफिया जानकारी भी मिली है। जबालिया इलाके में IDF की छापेमारी, जबालिया में IDF ने किया था बड़ा हमला, हमले में कई हमास लड़ाकों की मौत हुई है। और गाजा में इजरायली गदर का 29वां दिन है। हमास के रॉकेट और इजरायल के हवाई प्रहार के बीच अब गाजा में गुरिल्ला रण तेज है। इजरायल की सेना गाजा में दाखिल हो चुकी है और हमास के लड़ाके छिपकर इजरायली सैनिकों पर प्रहार कर रहे हैं। इजरायल के सैनिकों ने गाजा में तीन तरफ से धावा बोला है। गाजा सिटी को घेरने के लिए आगे बढ़ रही फौज रास्ते में आने वाले हमास के हर संभावित ठिकाने को मलबा बना रही है। शहरी इलाका और सुरंगों के नेटवर्क की वजह से इजराइल के सैनिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अचानक होने वाले हमलों से बचना और हमास के लड़ाकों को तलाश कर उनका खात्मा करना है। एक तरफ आधुनिक हथियारों से लैस इसराइल के कमांडो, तो दूसरी तरफ जहां तहां छिपे हमास लड़ाके। गाजा की सड़कों, गलियों, मकानों से अचानक गोलियां चलती हैं और फिर इसराइल के सैनिक उस इलाके को घेर लेते हैं।
गाजा में एक बेहद खतरनाक गोरिल्ला वॉर की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें इजरायली फोर्स और हमास के बीच एक दूसरे पर छिपकर, एक दूसरे से बचकर और कभी कभी एक दूसरे के आमने सामने आकर हमला करने वाली लड़ाई चल रही है। फिलहाल गाजा में तीन तरफ से इजरायली फोर्स आगे बढ़ रही है। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि इजरायली सेना गाजा सिटी के बेहद करीब तक पहुंच गई है। हमले का पहला फ्रंट नॉर्थ गाजा बॉर्डर से है, जहां सेना समंदर के करीब चल रही है। दूसरा फ्रंट नॉर्थ ईस्ट का है और तीसरा पश्चिमी सीमा का। झाड़ियों के बीच ये किसी सुरंग की एंट्री है या फिर गहरा बंकर। देखिए, एक हमास लड़ाका अचानक जमीन से बाहर निकला और दौड़कर टैंक पर ग्रेनेड रखकर वापस भाग आया। जोरदार धमाके की आवाज आई, इसी सुरंग या बंकर से फिर हमला किया गया और टैंक में जोरदार धमाका हुआ। जरा फिर से देखिए, इजरायली फोर्स के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। हमास के लड़ाके जहां तहां छिपे हैं और अचानक हमला कर रहे हैं। अब नक्शे पर देखिए, हमास और इजरायल की सेना के बीच सबसे भीषण जंग बैट हैनन में चल रही है। नॉर्थ गाजा में अब भी हवाई हमले हो रहे हैं। हमास ने अभी इजरायल पर रॉकेट प्रहार जारी रखा है। तेल अवीव में रॉकेट गिरने से कई धमाके हुए हैं। एयर डिफेंस से कई रॉकेट नष्ट करने के बाद भी इजरायल में जगह जगह आग लग रही है, धमाके हो रहे हैं। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ ही हवाई हमला लगातार जारी है। लगातार धमाकों के बीच इजरायली फोर्स गाजा सिटी को घेरने के लिए आगे बढ़ रही है। देखिए बम धमाकों के बीच कैसे हमास लड़ाके सुरक्षित सुरंगों में मौजूद हैं और जंग में कामयाबी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिलहाल इजरायली सेना बहुत आगे नहीं बढ़ी है। देखिए, ये कैमरा इजरायली सीमा के भीतर है और जहां धुआं उठ रहा है वो गाजा का हिस्सा है। सफेद धुआं इस बात का इशारा कर रहा है कि इजरायली सेना व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल कर रही है। ये जहरीला धुआं जहां तहां छिपे हमास लड़ाकों का दम घोट देता है। इमारतों के बीच निकल रहे इस सफेद धुएं को देखिए, व्हाइट फॉस्फोरस से हमास लड़ाकों के अलावा आम लोगों की भी मौत हो जाती है। गाजा में इजरायली हमले में बड़ी तादाद में सिविलियंस की मौत का खतरा है। शहरी इलाके में युद्ध की वजह से बहुत बड़े नरसंहार का डर है। घनी आबादी वाले इलाके में चल रहे युद्ध का लंबा खिंचना भी तय माना जा रहा है। गाजा की इस जगह पर कुछ घंटे पहले जोरदार धमाका हुआ था, अब एक बड़े इलाके में सिर्फ धूल और मलबा नजर आ रहा है। दावा है कि ये बैरल बम का हमला था। बैरल बम 800 मीटर के इलाके में तबाही मचाता है। ड्रम में कील, छर्रे और खतरनाक विस्फोटक भरे जाते हैं। 300 से 600 किलो के विस्फोटक के साथ बम तैयार होता है। हेलीकॉप्टर से इस बम को गिराया जाता है। गाजा में घुस चुकी इजरायली फोर्स के पास तबाही का हर सामान मौजूद है। जहां से हमले का खतरा होता है वहां टैंक से गोलाबारी होती है। हमास के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया जाता है। गलियों में सर्च अभियान चल रहा है। जहां शक होता है वहां दीवारें गिरा दी जाती हैं। इसराइल ने एक बार फिर पर्ची गिराकर आम लोगों से युद्ध वाले इलाके से दूर जाने को कहा है। इस बीच हमास की तरफ से दावा किया गया है कि अब तक इसराइल के 6 टैंक नष्ट कर दिए गए हैं। सेना की 2 गाड़ियां और 1 बुलडोजर को नष्ट किया गया है। इसराइल अपने सैनिकों के नुकसान पर झूठ बोल रहा है। मस्जिद से ये आवाज इसलिए गूंज रही है ताकि फिलिस्तीनी एक होकर इजरायली सेना का मुकाबला करें। धार्मिक किताबों की पंक्तियों से जेनिन में लोगों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। इस बीच युद्ध में अमेरिका की भी एंट्री हुई है। अमेरिका के कई ड्रोन गाजा में चक्कर लगा रहे हैं।
हालांकि दावा है कि अमेरिका के ड्रोन सिर्फ बंधकों की तलाश करने गए हैं और किसी तरह का हमला नहीं कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के ताकतवर सर्विलांस ड्रोन से इजरायली फौज को काफी फायदा मिलना तय है। वेस्ट बैंक के जेनिन में भी गाजा जैसा ही ऑपरेशन कई दिनों से चल रहा है। लगातार धमाके हो रहे हैं और रिहायशी इलाकों के साथ बाजार में भी भारी बर्बादी हुई है। जेनिन की तस्वीरों को देखकर लगता है कि यह भी गाजा का ही कोई इलाका है। यहां भी हर तरफ मलबा और टूटे हुए मकान नजर आते हैं। जेनिन में इसी तरह लगातार गोलीबारी हो रही है, सेना की गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं और जगह जगह झड़पें हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो गाजा की ज्वाला अरब देशों में बढ़ती ही जा रही है। गाजा को लेकर इसराइल पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी भी हो चुकी है। इसराइल को चारों तरफ से घेरने का प्रयास हो रहा है। हमास के समर्थक प्रॉक्सी गुटों ने बारूदी विस्फोट भी तेज कर दिया है। भूमध्य सागर और लाल सागर के बाद अब डेड सी में भी बारूद पहुंच चुका है। इसराइल और अमेरिका के ठिकानों पर हमले भी तेज हो गए हैं। हमास के साथ हूती विद्रोही और हिजबुल्ला ने भी हमले के नए रूट तैयार कर लिए हैं। इसराइल पर चारों तरफ से प्रहार। टारगेट पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने। भूमध्य सागर और लाल सागर के बाद डेड सी में पहुंचा बारूद। हमास के समर्थक गुट अब मृत सागर के तट पर भी इजरायली ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने इजरायल के उन ठिकानों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं जहां हमास समर्थक गुटों के हमले अभी तक मुश्किल माने जा रहे थे। इस युद्ध में ये पहली बार हुआ है कि डेड सी से सटे इसराइल के ऑयल डिपो पर हमास समर्थक इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने हमला किया। लीक हुए एक बेहद गोपनीय दस्तावेज से ऐसे खुलासे हुए जो इसराइल और हमास की जंग के सबसे खतरनाक फेज की तरफ इशारा करते हैं। इस खुलासे के मुताबिक इसराइल के खिलाफ जंग का नया फेज शुरू होगा। इराकी सशस्त्र बल इसराइल के साथ बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इराक ने अपने सशस्त्र बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। इराक के साथ ही यमन के सशस्त्र बलों ने पिछले 24 घंटों में इजरायली ठिकानों पर कई ड्रोन अटैक करने के दावे किए। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनेई ने भी इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। खमेनेई ने यहां तक दावे कर दिए हैं कि अमेरिकी सपोर्ट के बिना इसराइल चंद दिनों में ही कमजोर पड़ जाएगा। अयातुल्ला खमेनेई ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो अमेरिका, इसराइल और यूरोप से सभी तरह का लेन देन बंद कर दें। अमेरिका और इसराइल के लिए सबसे बड़ी घातक बात यह है कि अगले हफ्ते से ईरान, इराक और अरब के कई देश अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग की नए ऐलान कर सकते हैं। लेबनानी चरमपंथी गुट हिजबुल्ला उत्तरी इसराइल में लगातार अनगाइडेड रॉकेट बरसा रहा है। और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है।
इसी बीच इराकी रेजिस्टेंस के प्रमुख शेख कैस अल खजाली ने कर्बला का दौरा किया। इराकी रेजिस्टेंस ने क्रूज मिसाइलों की तस्वीरें जारी कर ऐलान कर दिया है कि इसराइल के खिलाफ जल्द ही जंग का नया दौर शुरू होगा। इसराइल के खिलाफ हिजबुल्ला के साथ साथ यमन के चरमपंथी संगठन होती ने भी मोर्चा खोल दिया है। हमास, हिजबुल्ला और होती के गठजोड़ के बाद इसराइल के खिलाफ बड़ी जंग शुरू हो सकती है। यमन में MiG-29 लड़ाकू विमानों का शक्ति प्रदर्शन करके इसराइल के अलावा अमेरिका को भी चुनौती दी जा रही है। यमन के चरमपंथी गुट होती को ईरान का समर्थन हासिल है। होती के पास खतरनाक हथियार और लड़ाके हैं, जिनके दम पर वो इसराइल पर मिसाइलें भी दाग रहा है। होती की ऐसी ही एक मिसाइल को इसराइली एयरक्राफ्ट F-35 ने मार गिराने का दावा किया। होती ने सीरिया में अमेरिका के अल शदादी बेस पर भी मिसाइलें दागी, लेकिन उससे मार गिराया गया। जॉर्डन की आर्मी ने भी सीरिया की तरफ से आ रहे ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हमास के समर्थक गुट के जितने हमले दूसरे देशों में हो रहे हैं, उसमें ज्यादातर हमले अमेरिकी ठिकानों पर हुए हैं।